चलो आज देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 को। हम 3 को प्रूफ करेंगे। लेट लॉग एक्स टू डी बेस बी इक्वल टू एम मान लेते हैं। अभी इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बी टू डी पर एम इक्वल टू एक्स। नाउ दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई एम टू डी पावर पी एक्स टू डी पावर पी बी एम पी एक्स टू डी पावर पी। अभी हम इसे लॉग में लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू डी पावर पी टू डी बेस बी इक्वल टू एम पी। एम मीन्स लॉग एक्स टू डी बेस बी को पुट कर देंगे यहाँ पे। एम मीन्स लॉग एक्स टू डी बेस बी। प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। अभी 4th प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लेट लॉग एक्स टू डी बेस बी इक्वल टू एम मान लेते हैं। अभी इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बी टू डी पावर एम इक्वल टू एक्स। नाउ लॉग एक्स टू डी बेस सी इक्वल टू एक्स की जगह बी टू डी पावर एम को पुट करेंगे। लॉग एक्स इक्वल टू बी टू डी पावर एम टू डी बेस सी। एक प्रॉपर्टी था, मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी में इसे प्रूफ किया था। नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एम को आगे ले आएंगे। एम लॉग बी टू डी बेस सी। एम मीन्स व्हाट? लॉग एक्स टू डी बेस बी। लॉग एक्स टू डी बेस बी इंटू लॉग बी टू डी बेस सी। प्रूफ इज कम्प्लीटेड। बट अभी ढोलन बाकी है। लॉग एक्स टू डी बेस बी। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये इस तरफ ले आने से ये डिवाइड हो जाएगी। लॉग एक्स टू डी बेस सी लॉग बी टू डी बेस सी। प्रूफ इज कम्प्लीटेड। नाउ हम 2 और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और 2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लॉग ए टू डी बेस ए इक्वल टू 1। हाउ कैन आई प्रूफ इट? प्रूफ लॉग ए टू डी बेस ए इक्वल टू के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए टू डी पावर के इक्वल टू ए। के का वैल्यू क्या होने से यहाँ पे ए होगा, मतलब के किसके बराबर होने से ए के इसका आंसर ए निकलेगा। के इक्वल टू 1 होगा, ये तो छोटी सी बात है। मतलब k इक्वल टू 1 मतलब log a टू डी बेस a k मतलब 1। प्रूफ इज कम्प्लीटेड। एंड सम अदर प्रॉपर्टी है, वन मोर प्रॉपर्टी। log 1
to the base A equal to 0. Proof. Let log 1 to the base A equal to k. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a टू डी पावर k इक्वल टू 1, a टू डी पावर k इक्वल टू 1, a टू डी पावर k इक्वल टू 1 मतलब k का वैल्यू क्या होने से यहाँ पर 1 होगा, मतलब a टू डी पावर k 1 मतलब a टू डी पावर 0, दैट मीन्स k इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर log 1 to the base a equal to k, मान लिया था 1 to the base a को, k का वैल्यू 0 आया, मतलब 0 हो गया यहाँ पे. प्रूफ इज कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच.